बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और राजमिस्त्री शामिल हुए। कंपनी बाग से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। 1,10,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी जाए। मोदी जी की कार्यकाल शैली हिंदुस्तान में जितने भी राज्यपाल हैं उनको खुश करके और प्रत्येक राज्य पर राज्यपाल के जरिए अपना डिक्टेटरियाना तरीका अपनाना चाहते हैं। इस दौरान ESI मेडिकल कॉलेज चालू करने, वृद्धा अवस्था पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। को लेकर के मांग पत्र को लेकर के यहां पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट आए हैं और ADM अतिरिक्त जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि 2014 में जो भाजपा ने और विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे उनमें से कोई सा भी वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि 2000 लोगों को हम लोग जो गरीबी सीमा से रेखा है उन लोगों को पैसे देंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, जो उन्होंने कतई उसको पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन विदेशों से ला करके 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में जमा कराएंगे, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अमन चैन इस देश का बर्बाद हो गया है। जो सौहार्द का वातावरण इस देश में था, साझा संस्कृति का वातावरण था, उसका तहस नहस कर दिया। आज बुद्धिजीवियों की हत्याएं हो रही हैं, कुलबर्गी, गौरी लंकेश, डबोलकर, पहलू, सबकी हत्याएं की गई हैं। इस वातावरण को जो कभी सद्भाव के लिए पूरे देश और दुनिया में जाता था आज वो वातावरण बदल रहे हैं। हम ये हिटलर के तरीके से चलने वाली सरकार की झूठी आश्वासनों को और झूठी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ 2000 लोगों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है। 500 से ज़्यादा तो महिलाएं हैं जो इस तपती धूप में और दोपहर में यहाँ पर आकर ज्ञापन देने आई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो हमने प्रदर्शन किया है वो ख़ास तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जनविरोध नीतियाँ हैं, जो जनता से वादे कुछ करती हैं और अमल में कुछ लाती हैं, आज पूरे जो जनता है वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ख़ास तौर से पेट्रोल और बिजली की दरें जो बढ़ रही हैं वो चिंता का विषय है। तो आज का हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारी ये मांग है कि आज सरकार को इन तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो पूरे ज़िले में पानी की समस्या है वो हमारी जो प्राथमिकता, हमने चंबल के पानी की बात कही है और कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 5 सालों से ये बात दोहरा रही है कि चंबल का पानी लाया जाए। भूस्तर जब लगातार गिर रहा हो ऐसी स्थिति में अलवर का पानी अलवर को दिया जाए ये संभव नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं, इसी प्रकार जो श्रमिक लोग हैं, सारे श्रम के जो संशोधन किए जा रहे हैं वो श्रम संशोधन मजदूर के हित में नहीं है, वो पूंजीपति के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है, कॉरपोरेट जगत के हित में है। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। हम ये उम्मीद करते हैं सरकारों से कि वो जल्द ही इन चीज़ों पर निर्णय लें, आम जनता के हित की बात करें, जनविरोध नीति को छोड़ें और सांप्रदायिकता का जो वातावरण है उसको खत्म कर सौहार्द का वातावरण बनाएं। इतनी सी बात। मेरा नाम राजकुमार बख्शी है, मैं श्रमिक नेता हूँ।